बसपा एक आंदोलन है, बसपा इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है, बसपा लोगों की रगों में है, हाथी लोगों की रगों में लगा हुआ है। समाज पार्टी स्ट्रांग है, नेशनल पार्टी है, उसी में अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए, उसी को मजबूत करना चाहिए, आपकी वोट की कहीं कोई कीमत नहीं है। मान्यवर ने कहा कि सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के 85 के फार्मूले पर आना पड़ेगा। मुलाकात हुई तो बहन जी बहुत पॉजिटिव है, बहन जी तो चाहती हैं कि वे लोग नौजवान आए, मगर नौजवान क्यों नहीं आ रहा है, नौजवान को क्यों अप्रोच नहीं किया जा रहा है, नौजवान को क्यों कमान नहीं दी जा रही है, या हर स्टेट में क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, तो इस पर तो बैठकर अध्ययन करने की बात है। मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा कमजोर नहीं है, बिल्कुल भी, वो बहुत मजबूत है, मगर किसी कारणवश आज की डेट में वो अच्छा नहीं कर पा रही है, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। अगर ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं या और कोई लोग बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम साहब की सोच को आगे लेके जा रहे हैं। वो उसी प्लेटफॉर्म से निकले हैं, उसी पाठशाला से निकले हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को वजूद किया। आजाद समाज पार्टी का कोई वोट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, रहा जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी का शासन रहा था, क्या वो बुरा शासन था? अच्छा शासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। देखिए, बसपा की राजनीति एक अपनी राजनीति है, बसपा एक अपने तरीक़े से राजनीति करती है, और बसपा के जो लोग हैं उनका कैडराइज पार्टी है, तो उन लोगों पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना तरीका काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका है, पर जितना भी वो काम कर रहे हैं वो जीतने के लिए उचित नहीं है। उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सड़कों पर आना पड़ेगा, और लोगों को पार्टी में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि जो मान्यवर का जो नारा है वो नारे पर चलना पड़ेगा। मान्यवर ने कहा कि सब लोगों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के 85 के फार्मूले पर आना पड़ेगा, और 85 का फार्मूला ही सफर फार्मूला है, और 85 के फार्मूले पर आकर ही वो सत्ता में आ सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत दूर है सत्ता, आपको देखा होगा, देखना पड़ेगा, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें खराब होती जा रही है। अच्छा, लगता नहीं कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं एकदम से? नहीं, जब कोई पार्टी नहीं जीतती है और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है तो हताश तो हो ही जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बसपा की जो विचारधारा वो कमज़ोर विचारधारा है। मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी, वो बहुत मजबूत है, मगर किसी कारणवश आज की डेट में वो अच्छा नहीं कर पा रही है, परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर डिबेट की जा सकती है, पर वो अच्छा कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो पार्टी में काम करना चाहते हैं, मगर उनको पार्टी में लिया ही नहीं जा रहा है। वैसे तो वो कहते हैं कि 50% पार्टी में नौजवान काम करेंगे, मगर किसी भी नौजवान को अप्रोच नहीं किया जा रहा है। और काम कैसे करें बताइए, जितना काम हो रहा है वो कर रहे हैं लोग, पार्टी में एक ऐसे काम होना चाहिए, कैडर के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसका कारण क्या है वो तो ऊपर के लोग ही जानेंगे। आपको नहीं लगता मायावती को कहीं अपनी कुर्सी का डर है कि जिस अध्यक्ष की कुर्सी को वो संभाले हुए हैं बरसों से, तो उस कुर्सी का डर उन्हें सता रहा है? देखिए, युवा अगर आएगा तो कहीं ना कहीं कुर्सी ना हथिया ले। नहीं नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, पहले मान्यवर काशीराम साहब से बहन जी आई, फिर कोई और आएगा, तो उसमें कोई डर वर की तो मुझे कोई बात लगती नहीं है। बहन जी से जब भी हम लोग मिलते हैं या जो हम भी मुलाकात हुई, तो बहन जी बहुत पॉजिटिव है, बहन जी तो चाहती हैं कि वे लोग नौजवान आए, मगर नौजवान क्यों नहीं आ रहा है, नौजवान को क्यों अप्रोच नहीं किया जा रहा है, नौजवान को क्यों कमान नहीं दी जा रही है, या हर स्टेट में क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, तो इस पर तो बैठकर अध्ययन करने की बात है, इस पर तो चिंतन करने वाली बात है। वहीं समाज में एक गलत मैसेज ये भी गया कि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। नहीं, कोई बात नहीं, बना दिया गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर काम तो करें, कम से कम लोगों को जोड़ने का काम करें, अपनी टीम बनाएं, वो टीम नहीं बना पा रहे हैं, टीम बनाएं, बड़ी वाली टीम बनाएं, टीम में बहुत सारे लोग रहें, काम करें, हर प्लेटफॉर्म पर काम हो, हर मुद्दे पर काम हो, हर मुद्दे पर जवाब उठाया जाए, हर मुद्दे पर आंदोलन किया जाए, जब भी तो पार्टी आगे आती हैं। अब वो शांत क्यों है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो तो वही जाने, मगर मेरा मानना यह है कि हर मुद्दे को उठाना चाहिए, हर मुद्दे की आवाज़ बनना चाहिए, हर उस आदमी की आवाज़ बनना चाहिए जो लाइन में सबसे पीछे बैठा हो। अच्छा, ये एक चर्चा है उत्तर प्रदेश में कि इस बार जो है खतौली विधानसभा चुनाव जो है उपचुनाव जीतने के बाद कि चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी और RLD और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, और गठबंधन होता है तो कैसे देख रहे हैं कि बसपा तो फिर गई खतरे में गई? नहीं, वो गठबंधन होगा जब देखा जाएगा, ऐसा नहीं। देखो, बसपा एक आंदोलन है, बसपा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, बसपा लोगों की रगों में है, हाथी लोगों की रगों में बसा हुआ है। मान्यवर काशीराम साहब का मिशन इतना आसान नहीं ख़त्म करना है, मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन दे दिया है, मान्यवर काशीराम साहब की ये नेक कमाई है, इस कमाई को कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कमाई ख़त्म नहीं होगी, ये हज़ारों करोड़ों लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही अच्छा समय आएगा, सपा जो है और ये जो RLD और ये जो लोग हैं ये सब पीछे हट जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सब लोगों को न्याय दे सकती है, बहुजन समाज पार्टी ही लोगों को संविधान के सही दायरे में इस देश पर राज कर सकती है। लेकिन इसी मिशन की तो बात चंद्रशेखर भी करते हैं, आजाद समाज पार्टी भी करती है कि हम भी तो बहुजन को लेकर चल रहे हैं, कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब पता ना कौन से मिशन को आगे बढ़ाएं, तो वही बताएंगे, उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ,
सब लोग जानते हैं और कुछ दिन में सब पता लग जाएगा कि कौन से मिशन को आगे आगे लेके चल रहे हैं। दलित जो है, दलित वोटर्स हैं, वो कन्फ्यूजन में है कि कहाँ जाएं। नहीं, उनको कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में रहना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के अब 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग है, नेशनल पार्टी है, उसी में अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए, उसी को मजबूत करना चाहिए। आपकी वोट की कहीं कोई कीमत नहीं है। आप वहीं पर रहें, वहीं मजबूत करें। समय अच्छा बुरा आता रहता है, अच्छा समय भी आएगा, अच्छा समय देखा भी था आपने। 2007 से लेकर 2012 तक आपने सरकार देखी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, जितना काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया था 2007 से लेकर 2012 तक, इतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए अच्छा समय आएगा, आप उसको मजबूत करें। आप अपना जो विश्वास है उसको कम जो नहीं होने दें तो उसको आने दें। क्या यही वजह रही है जो बहन जी ने अभी अकेले होकर लड़ने का फैसला लिया है 2024 में? नहीं, देखो हर पार्टी की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। अब बहन कुमारी मायावती 2024 में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आज तो कह नहीं सकते हैं, मगर आज उनका प्लान है कि वो अकेले लड़ेंगे, क्योंकि वो मजबूत पार्टी है। अगर सारे लोग देखो अगर सारा विपक्ष है, अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, वहाँ पर उनके जो कैंडिडेट हैं ज़्यादा जीतेंगे। मगर सारे लोग जातिवादी मानसिकता से अगर अलग अलग पार्टियों को वोट देने का काम करते हैं, वो अगर किसी दलित को एमपी एमएलए नहीं बनाना चाहते तो उसमें क्या कर सकते हैं। हम उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई कोई लड़ रहा है देश के अंदर, अगर ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं या और कोई लोग बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय काशीराम साहब की सोच को आगे लेके जा रहे हैं। वो उसी प्लेटफॉर्म से निकले हैं, उसी पाठशाला से निकले हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को वजूद में लेकर आई है। अच्छा, एक सवाल यह भी कि जो बीएसपी है वो मुस्लिम चेहरों को पार्टी में लाया और ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन जिस ब्राह्मण ने 2007 में सत्ता दिलाई उससे कहीं ना कहीं गतिविधियों को देखकर लग रहा है कि उससे किनारा कर रहे हैं। नहीं, किनारा वो क्या कर रहे हैं, किनारा अपने आप ही कर लिए हैं। देखो, ब्राह्मण जो है वो तो हर पार्टी में मिलेगा आपको, मगर ब्राह्मण के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक इस प्रकार के थी, जब उनको लगा कि भाई बीजेपी और कांग्रेस में हमारा काम नहीं चलेगा तो बहुजन समाज पार्टी में आगे। बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण पसंद नहीं करता है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जो फार्मूला है 85-15 का, जो 85% लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो हमारा एक बेस वोटर है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, वही पार्टी को आगे लेके आ सकता है। हाँ, ब्राह्मण कुछ लोग ऐसे हैं जो मानवतावादी लोग हैं, वो कुछ आकर अगर पार्टी में कुछ करना चाहते तो उनके लिए वेलकम है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही बात ही नहीं। अच्छा, इधर बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो उधर कहा जाने लगा कि सवाल उठने लगे कि आखिर बसपा किसे फ़ायदा पहुँचा, किसका फ़ायदा करना चाहती है? देखिए, बसपा किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाना चाहती है। बसपा एक राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक मूवमेंट है, तो बसपा अपने दम पर लड़ाई लड़ेगी। अगर अपने दम पर लड़ना किसी को फ़ायदा पहुँचाना है तो ये गलत सोच है। क्या बसपा पहले से लड़ती नहीं आई है? क्या बसपा 84 से नहीं लड़ रही है देश के अंदर? लड़ रही है ना बसपा। हम किसी दूसरे को और या किसी तीसरे को फ़ायदा होगा इस चक्कर में हम ना लड़ें तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम चुनाव तो लड़ेंगे। अब किसके साथ लड़ेंगे, किसके साथ नहीं लड़ेंगे, वो बैठ के बात होगी। अगर कोई हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, आज हमारी वोटों को लेकर जीत कर चला जाता और फिर दोबारा वो दुश्मन के साथ मिल जाता, तो ऐसे पार्टी के साथ मिलकर लड़ने से फ़ायदा क्या है? इससे तो अकेले लड़ने से अच्छा है। आपने देखा होगा, जब जब भी बसपा ने जिसको मजबूत किया वो छोड़कर भाग जाता है। तो जब छोड़कर जाना है, दुश्मन में मिल रहा है, तो फिर दूसरे के आदमी को मजबूत क्यों करना है? फिर तो अपनी ताकत बनाओ। तो बसपा अपनी ताकत बनाना चाहती है, और जब अपनी ताकत बनेगी तो वो मजबूत ताकत होगी, वो लोगों को फ़ायदा दे पाएगी। एक तरफ बहुजन राजनीति हो रही कि एससी एसटी ओबीसी एक आएंगे, लेकिन सारे ऐसा नहीं लगता कि सारे वोट जो हैं एससी एसटी ओबीसी के वो बटे हुए हैं समाजवादी पार्टी में, बसपा में, आजाद समाज पार्टी में? उधर तो बीजेपी की तरफा जीत हो गई ना। देखो, आजाद समाज पार्टी का कोई वोट नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। रहा जो 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी का शासन रहा था, क्या वो बुरा शासन था? अच्छा शासन था, लॉ एंड ऑर्डर था, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पर। तो सारे जितने भी लोग हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करते हैं? मजबूत करें, उनसे उम्मीद के बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी सरकार चलाते हैं। और वही बहन कुमारी मायावती एक देश की ऐसी लीडर हैं जिससे मोदी डरते हैं, जिससे मोदी डरते हैं, और मोदी उनके सामने ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी ही देश में संविधान को बचा सकती है, और कोई दूसरी पार्टी नहीं। आप कह रहे हैं कि बहन जी से मोदी डरते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी से बहन जी डर रही हैं। अब लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों का कहना क्या है?
लोगों को कहना क्या है? बहन कुमारी मायावती आज तक मोदी जी से मिलने गई क्या? बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे वो तो योगी से भी मिलते हैं और मोदी से भी मिलते हैं, बताइए उनके पिताजी मिलते थे तो कैसे बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे, बताइए आप, बताओ ना आप। तो मेरा मानना यह है कि जो दिखता है कुछ राजनीति में, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के जो हमारी मुखिया बहन कुमारी मायावती, उनकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। वो बहुजन समाज को इस देश में हुक्मरान बनाना चाहती हैं, जैसे माननीय काशीराम चाहते थे। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अनुरोध है कि आप बहुजन समाज पार्टी में विश्वास बनाए रखें, उसको मजबूत करें और मजबूत कर इस देश पर राज करने का काम करें।